नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टीडीएस और टीसीएस की जो चालान भरनी होती है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन भरनी होती है। और इस टीडीएस टीसीएस की चालान भरने के बाद कई बार प्रिंटआउट निकालने की रह जाती है। अब ऐसे में उस टीडीएस की चालान हम इनकम टैक्स के पोर्टल से उसकी प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक टीडीएस की चालान भरी है, इसकी प्रिंटआउट निकालनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ हम जब लॉगिन करेंगे, हमारे 10 नंबर से हमें लॉगिन कर लेना होता है। और लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ ई फाइल वाला ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद हमें यहाँ एक ई पे टैक्स वाला ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब इसके बाद यहाँ हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट हिस्ट्री वाला, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ चालान की लिस्ट दिखाई देगी, जितने भी चालान हमने भरी है वो सारी चालान यहाँ हमें दिखाई देगी। अब यदि इसकी प्रिंट निकालनी है तो हमें यहाँ सबसे आखिर में एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्शन वाला, यह 3 डॉट के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, डाउनलोड, कॉपी, व्यू डिटेल्स। यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही टीडीएस का रिटर्न फाइल करते समय, टीडीएस का रिटर्न क्रिएट करते समय हमें चालान स्टेटस इंक्वायरी सीएसआई फाइल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा चालान स्टेटस इंक्वायरी, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ से हमें पीरियड सिलेक्ट करना होता है, जिस पीरियड के लिए हमें चालान सीएसआई फाइल डाउनलोड करनी है। इसके बाद यहाँ हम फिल्टर चालान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ हमें चालान की डिटेल्स दिखाई देगी। अब यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड चालान फाइल, इस पर क्लिक करके हम चालान सीएसआई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम आरपीयू में टीडीएस रिटर्न हमारा वैलिडेट कर सकते हैं और उसकी एफपीयू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ आसानी से इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके हमारे चालान की प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं और चालान स्टेटस इंक्वायरी की फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहीं से हम चालान भी भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की छोटी सी जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।